वेलकम टू स्टूडेंट्स टूडे और टॉपिक इज ग्राफिकल एनालिस ऑफ मोशन यानी ग्राफ के ज़रिए तजिया करना हरकत का ग्राफ इज़ एन इफेक्टिव वे ग्राफ एक मौसर तरीक़ा है या बेहतरीन तरीक़ा है फॉर शोइंग दिखाने का रिलेशनशिप ताल्लुक को बिटवीन फिज़िकल क्वानिटीज़ तबी मकदारों के दरमियान यानी ग्राफ ये एक बेहतरीन तरीक़ा है तबी मकदारों के तल्ल को दिखाने का ग्राफ कंटेंट ग्राफ में मौजूद होती हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन अब उफ्टी और अमूदी है हॉरीजेंटल को हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं स्टूडेंट्स और वर्टिकल को हम वाई एक्सिस भी कहते हैं एट इक्वल डिस्टेंसिस यसां फासले पर मतलब जितनी आप एक्स एक्सिस लोगे हॉरिजेंटल उतनी आप वाई एक्सिस लोगे वर्टिकल में एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब सबके तो पास ग्राफ का निज़ाम होता है टू शो रिलेशनशिप दिखाने के लिए ताल्लुक को इन वेरियस क्वानीज मुख्तलिफ मकदारों के दरमियान इंटरप्रटेशन वजाहत करना टूल ये एक मौसर आला है फॉर फिजिस्ट तबीदान के लिए जो फिजिक्स का साइंटिस्ट होता है उसे हम फिजिस्ट कहते हैं इस तरह बायोजी का बायोजिस्ट एंड केमिस्ट्री कामिस्ट स्लोप्राफ मतलब ग्राफ का जो स्लोप है स्लोपीन ये जो लाइन आती है आपके पास दरमियान में से इसे हम स्लोप कहते हैं न स्लोप ऑफ द ग्राफ मीन्स ग्राफ के स्लोप का मतलब है वर्टिकल कॉर्डिनेट डिफरेंस कि जो आपके पास वर्टिकल कोआर्डनेट डिफर डिफरेंस है यानी जो आपके पास आमूदी फ़र्क है या तकसीम है डिवाइड बाई हॉरिजेंटल कोआर्डिनेट डिफरेंस उसे आप तकसीम करो हॉरीजेंटल पर मतलब एक्स और वाई को आप डिवाइड कर दो एक दूसरे से द स्लोप ऑफ द ग्राफ इन कार्टेशियन कॉर्डिनेट सिस्टम कैन बी कैलकुलेट एज और आपके पास जो स्लोप होता है ग्राफ का कार्टेशियन पर उस कार्टेसन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर उससे आप इस तरह कैलकुलेट कर, करते हो ग्राफ के जो टाइप्स स्टूडेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि आपके पास ये दो किस्म की होती हैं एक जियोलॉजिकल यानी जोग्राफिकल और दूसरी आपके पास होती हैं कार्टेशियन जोग्राफिकल में आप सिमते लेते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसे हम न्यूज़ भी कहते हैं और आपके पास जो कार्टेशियन है उसमें आप एक्स एं एक्सिस एंड एक्सिस लेते हो अब यहाँ पर हम कार्टेशियन की बात करें यानी एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो हम किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है पहले आपके पास पिक टू पॉइंट्स पॉइंट्स दो लीजिए एक का नाम पी आई आई मतलब इनिशियल यानी इब्तदा शुरू मतलब फाइनल मतलब, मतलब आखिरी अब टू पॉइंट आपने लिए एक पी वन का नाम PII का नाम दिया और दूसरे को पी एफ का अब टू नंबर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए पी आई के और पी एफ के मतलब जो पी आई अगर आप देखो स्टूडेंट जहाँ पर तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है पी आई के अपने अलग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं और पी एफ के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये अलग हैं तो बाय ड्राइंग बनाकर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब नाइन्टी डिग्री पर एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस पर फ्रॉम बोथ पॉइंट दोनों पॉइंट से मतलब पी से एंड पी से पिक्चर में देखो सुना आप तो पी को भी दो कंपोनेंट्स में तकसीम किया गया है एक एक्स और वाई एंड पी को भी एक्स एंड वाई को फिर थ्री नंबर डिटरमाइन द डिफरेंस मालूम कीजिए फ़र्क बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब अगर आपको पूरा एक्स मालूम करना है डेल्टा एक्स जिसे हम कहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि एक्स एफ में से एक्स आई को माइनस करना होगा मतलब फाइनल में से इनिशियल को आपने माइनस करना होगा एंड इसी तरह सिमिलरली वाई के लिए भी यही करना होगा आपने वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके पास डेल्टा वाई मालूम करने के लिए आपने वाई एफ़ से वाई आई को माइनस करना होगा अब फाइव सॉरी फोर पॉइंट डिवाइडिंग द डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने पहले ही ऊपर पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि स्लोप मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं हम y को x पर डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग द डिफरेंस जो आपके पास फर्क आएगा मतलब जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का आंसर आएगा इसे हम डिवाइड करेंगे इन वाई कोर्डिनेट वाई कोर्डिनेट बाई डिफरेंस इन एक्स कोआर्डिनेट एक्स कॉर्डिनेट के साथ गिव स्लोप फिर ये आपको स्लोप देगा मैथमेटिकली अगर आप मैथमेटिकली यानी फॉर्मूले में लिखना चाहो तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई की जगह इसकी वैल्यूज वाई एफ माइनस वी आई एंड एक्स डेल्टा एक्सा उसकी वैल्यू एक्स एफ माइनस एक्स आई यहाँ पर माइनस को हम डिफरेंस का नाम भी दे सकते हैं अब यहाँ पुष्टि आपको एक ग्राफ दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब डिस्टेंस ग्राफ हमें क्या दिखाता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइमग्राफ हमें स्पीड दिखाता है यहाँ पर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया तो आप कैसे इसको शो करोगे द ग्राफ प्लॉटेड ग्राफ जो आप बनाओगे बिटवीन डिस्टेंस एस डिस्टेंस को हम एस से जाहिर करते हैं एंड टाइम टी और टाइम टी से इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं मतलब वो ग्राफ जो आप बनाते हो डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं इन दिस ग्राफिकल एनालिसिस इस ग्राफी तजिए में या तरीके में डिस्टेंस इज प्लॉटेड अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस हम क्या करते हैं अक्सर जो टाइम हमारे पास होता है तो हम कोशिश करते हैं उसे हम एक्स एक्सिस पर रखें उसके अलावा जो भी आपको वैल्यू दी गई होती है उसे हम वाई एक्सिस पर लेना प्रेफर करते हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा आसानी इसी में रहती है इन दिस ग्राफिकल एनालिसिस इस तरीके में डिस्टेंस डिस्टेंस इज प्लॉटेड यानी उसको हम बनाते हैं प्लॉटेड बनाना अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर एंड टाइम अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस और टाइम को हम बनाते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस पर axis, पर यानी एक्सिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज Oh sorry, और सॉरी इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन और जब हमसे बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को तो हम इसको हमेशा एक्स वाई जो पॉजिटिव प्लेन होगा उस पर बनाएंगे एक्स वाई पॉजिटिव प्लेन क्या स्टूडेंट्स तो अब जो आपको यहाँ पर ग्राफ में दिया गया अगर आप ऊपर वाली तस्वीर को 2.8 को देखो तो आपके पास जहाँ पर ये बनाया गया है P1 और सॉरी पी आई एंड पी एफ तो ये आपके पास जो x एक्सिस है ये प्लस में है और y भी प्लस में अगर आप बैक साइड पे देखते हो उसके यहाँ जहाँ पर x माइनस और y माइनस लिखा हुआ है तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर y प्लस में और x माइनस में आएगा यहाँ पर आपके पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई एफ माइनस वाई आई लिखा हुआ है अगर यहाँ पर कैलकुलेशन कोई करते हैं हम स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और x की नेगेटिव अगर आप नीचे में देखते हो उसके तो यहाँ पर x भी माइनस में आएगा और y भी माइनस में अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू मालूम करनी होती है जो x भी आपके पास माइनस में और y भी तो आपके पास ये थर्ड कोआर्डिनेट आएगा और आपके पास जो लास्ट वन है ये यहाँ पर आपको डेल्टा एक्स की वैल्यूज दी गई हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो y माइनस में है और x प्लस में है तो आपके पास ये चार तरीके होते हैं लेकिन हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं ये हम पॉजिटिव x और पॉजिटिव y में लेते हैं तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमने सिर्फ वही हिस्सा लिया है बाकी हमने ड्रॉ नहीं किया तो हम पॉजिटिव में ही लेंगे इसको एज इट ऑफ टाइम क्यों क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ डिस्टेंस नेवर गोस टू नेगेटिव नेक्सेस वो नेगेटिव तो नहीं होता वो जाहिर आगे जाएगा रिस्पेक्ट ऑफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहे क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है आपके पास डिस्टेंस आपके पास स्केलर है वैक्टर नहीं है सही तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम स्केलर की बात कर रहे हैं स्केलर क्वान्टिटीज़ की इसमें आपके पास डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों को डिस्टेंस टाइम कर्व ओनली गिव स्पीड और डिस्टेंस टाइम हमें क्या बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड बताता है कंसिडर अब आपके आपको एग्जाम्पल दी गई है कन्सिडर मिसाल लीजिए तो मोशन हरकत ऑफ द ऑब्जेक्ट एक जिसम की विच कवर आर डिस्टेंस जिसने तय किया फासला ऑफ हंड्रेड मीटर सौ मीटर का फासला तय किया एंड टेन सेकेंड दस सेकेंड में द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके बाद जो स्लोप आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का विल गिव ये आपको स्पीड देगा एज इक्वेशन आपके पास इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यहाँ पर हमारे पास अगर एक्चुअल फार्मूला देखें स्टूडेंट्स तो वाई अपॉन एक्स है लेकिन हमने यहाँ पर वाई पे यानी वर्टिकल पे हमने डिस्टेंस लिया तो हम डिस्टेंस को लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल पे हमने टाइम लिया तो हम टाइम लिखेंगे तो डेल्टा एस की जगह हमने एस एफ माइनस एस आई लिख दिया डेल्टा टी की जगह हमने टी एफ माइनस टी आई लिख दिया फ्रॉमेशन टू पॉइंट स्पीड यह के पास डेफिनेशन ऑफ स्पीड है स्पीड इक्वल टू पर हमें दिया था सवाल में कि जो आपके पास स्पीड थी उसकी जो फास्ट था उसने तय किया वो हंड्रेड मीटर तय किया और कहाँ से तय किया तो इनिशियल था शुरू से नहीं बताया गया तो वो ज़ीरो ही लेंगे हम तो जीरो मीटर ज़ीरो सॉरी हंड्रेड से जीरो तो आप जीरो माइनस करते तो आपका आंसर हंड्रेड मीटर ही आएगा टाइम इन्होंने हमें फाइनल दिया इनिशियल टाइम इन्होंने हमें नहीं दिया टेन सेकेंड दिया उससे हमने टी आई जब तो जीरो माइनस के तो वही आपके पास आंसर टेन आएगा टेन को डिवाइड किया हंड्रेड पर तो टेन टेन सा हंड्रेड यानी टेन मीटर पर सेकेंड आपके पास ये इसकी स्पीड आएगी अगर आप नीचे आप यहाँ पर दिखे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफ के ज़रिए इज़हार करना या बयान करना यहाँ पर आपको तीन कंडीशन स्टूडेंट दी गई हैं ज़ीरो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड अब पहली पिक्चर में अगर आप देखते हो स्टूडेंट टू पॉइंट वन जीरो के तो यहाँ पर आपको दिया है कि भाई आप टाइम आपने लिया एक्सिस पर और आपने जो डिस्टेंस लिया था वो वाई पर लिया था लेकिन अगर आप ग्रीन लाइन को देखते हो तो ग्रीन लाइन तो बढ़ रही है लेकिन आपके पास जो वाई एक्सिस था उस पर कोई भी आपके पास तब्दीली नहीं आ रही इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आपकी गाड़ी है या जो आपके पास जो भी व्हीकल है वो क्या है या जो आप खुद भी हैं तो आप क्या है ये हायतः रेस्ट में है कि टाइम तो गुजर रहा है क्योंकि टाइम तो किसी के लिए भी नहीं रुकता टाइम तो गुजर रहा है लेकिन जो आपके पास जो स्पीड है वो नहीं ज़्यादा हो रही डिस्टेंस तय नहीं हो रहा मतलब इसका ये है कि गाड़ी या आपकी व्हीकल या आप खुद या जो भी बॉडी है वो एट रेस्ट है ज़ीरो स्पीड टाइम इज पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्टेंस इज सीन वह गुजर रहा है लेकिन फासले में आपको कोई भी तब्दीली नजर नहीं आ रही इट मीन इसका मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट कि बॉडी क्या है हालत है सुकून में सिंस देयर इज़ नो स्लोप सो द स्पीड इज ज़ीरो स्लोप कोई भी नहीं हुआ तो so स्पीड क्या है जीरो अब यहाँ स्टूडेंट अगर दूसरी पिक्चर में आप देखते हो यूनिफॉर्म स्पीड में तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपके पास टाइम भी टाइम का स्लोप और वर, जो आपके पास डिस्टेंस का स्लोप है वो भी आपके पास बिल्कुल सीधा जा रहा है अगर बिल्कुल सीधी कोई लाइन आपके पास स्लोप आता है तो उसका मतलब है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा एक कम होगा दूसरा भी कम होगा डिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम फासला आपके पास बढ़ रहा है खती टाइम के साथ द स्लोप इज़ कॉन्स्टेंट अब स्लोप क्या है कॉन्स्टेंट है मतलब बिल्कुल सीधा है देयर ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर आप सपोज़ आप मोटरवे पर जा रहे हो तो आपकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है अब वेरिएबल स्पीड वेरिएबल मतलब अब आप ऐसे किसी रोड पर जा रहे हो जहाँ पर मोड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है

आपको आज का एक्टर समझ में आ गया होगा कोई भी बात समझ में ना ही हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपने कीमती राह से मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा टेक केयर लल्ला